देखो यार, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म टैग के बारे में। एंड इफ यू आर लर्निंग HTML, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू शुड लर्न। सो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज फॉर्म। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो ज़रूर की होगी, और हम कुछ भी जब ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए हमें अपना और एड्रेस और अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है उस पोर्टल पर। तो जब हम कहीं पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट करते हैं तो उसको हम फॉर्म बोलते हैं, और उस फॉर्म को हम बनाते हैं फॉर्म टैग की मदद से। सो इससे क्लियर हो गया होगा कि भाई वी यूज फॉर्म टैग। और अभी हम कोड एडिटर पर फॉर्म बनाएंगे भी और नई नई चीज़ें भी सीखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ इसके सिंटैक्स के बारे में। हम इसको कैसे लिखते हैं और इसके अंदर कौन कौन से और नए नए टैग्स यूज होते हैं, चलिए अब कोड एडिटर चलिए देखते हैं कि हम फॉर्म टैग को कैसे लिखते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉर्म टैग लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्म। ये होता है हमारे फॉर्म का सिंटैक्स। और यहाँ पर जो एक्शन लिखा हुआ है, ये एक्शन के अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं अपने सर्वर का एड्रेस, जहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स भेजनी है फॉर्म की, जो सबमिट करने के बाद जहाँ पर डिटेल्स जाएंगी उस जगह के एड्रेस को हम लिखते हैं एक्शन के अंदर। टैग के अंदर हम काफ़ी सारे और अदर टैग्स को एम्बेडेड कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। जैसे अगर हमें टेक्स्ट इनपुट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इनपुट, और इनपुट लिख के एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ सिंटेक्स आ जाएगा, और जिसके अंदर टाइप इज इक्वल टू लिखा हुआ है टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब है कि जो ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट है, ये यूज़र से टेक्स्ट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर अब ये एक बन चुका है इनपुट लेने का बॉक्स, अब यहाँ पर हम कुछ भी डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे। जैसे अभी तो हमने सबमिट की कोई बटन ऐड नहीं किया है, बट अगर यहाँ पर हम कोई बटन ऐड होती तो अगर हम सबमिट करते तो यहाँ पर हमें दिखाई देता ये जो टेक्स्ट है वो सर्वर के पास पहुंच चुका होता। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम यूज़र से कुछ भी टेक्स्ट लेने के लिए। और एक और एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर, वो होता है पासवर्ड। सिंटैक्स सेम है, ले हम यूज़र से इनपुट ही रहे पर उसका जो टाइप है वो बदल जाएगा। जैसे पहले हमने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिया था तो यूज़र हम वहाँ पर टेक्स्ट इनपुट कर रहा था, अगर यहाँ हम पासवर्ड लिख दें टाइप इज इक्वल टू तो अब जो यूज़र इनपुट देगा तो वो हिडन आएगा। जैसे अब यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ वो सब हिडन है। तो ये होता है हमारा पासवर्ड एट्रीब्यूट। और अपना एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं हम ईमेल, जिसका यूज़ करते हैं हम किसी भी व्यक्ति से या अपने यूज़र से ईमेल लेने के लिए इनपुट में। अब इसको हम जैसे ब्राउज़र पर रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भी ईमेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पर यूज़र से मान लीजिए हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए डेट। अगर यहाँ पे हम डेट लिख के और हम ब्राउज़र में अगर इसको ओपन करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अब तो डेट का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पर यूज़र की मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बार पहले। लिखा है एंटर डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं इसको ब्राउज़र में खोलूँ तो देखिए एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो भी यूज़र होगा वो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ही एंटर कर सकता है। अगर हमें यूज़र से कोई भी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई डेट रिलेटेड चीज़ हमें इनपुट करानी है तो हम टेक्स्ट की जगह पर सीधा डेट का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे यूज़र को भी फ़ायदा होगा और ये यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनेगी हमारी, फॉर्म जो है हमारा यूज़र फ्रेंड। तो देखो यार, अब अगर हम बात कर लेते हैं एक और नए टैग के बारे में, जो कि है हमारा बटन टैग। बटन टैग का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जैसे हम टीवी के अंदर रिमोट में अगर किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं तो हर बटन का अपना स्पेसिफिक कोई ना कोई रोल होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बटन का क्रिएट करते हैं यूज़र को कहीं दूसरी जगह पर रीडायरेक्ट करने के लिए। जैसे हम लिखेंगे बटन और इसके अंदर टाइप इज इक्वल्स टू दे देंगे हम बटन, और यहाँ पर लिखेंगे हम अपना जो भी हम बटन के ऊपर शो करना चाहते हैं जो भी टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को लिखेंगे हम इसके अंदर। और जो भी हमें अगर कोई लिंक पेस्ट करनी है यहाँ पर तो हम लिखेंगे एंकर टैग ये दबाएंगे और एंटर दबाएंगे। तो ये होता है एंकर टैग। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी या कहीं से भी HTML पहले सीखी होगी तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और HREF के अंदर हम डालते हैं अपनी लिंक, जिस भी लिंक पर हमें भेजना है, जैसे मैं गूगल की लिंक डाल देता हूँ यहाँ पर अभी के लिए। और
तो जैसे यार मैंने यहाँ पर गूगल का जो भी URL है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा अपना टेक्स्ट। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक बटन टैग बनाया, बटन टैग के अंदर उसका टैप दिया बटन, और उसके अंदर लिखा हमने एक एंकर टैग। एंकर टैग यूज़ होता है हम लिंक को जब भी एक्सेस करना होता है, और यहाँ पर हमने लिख दिया अपना टेक्स्ट जो भी हमें बटन पर शो कराना है। अगर हम इसको ओपन करें ब्राउज़र में तो देखिए यहाँ पर एक बटन बन चुका है जो कि हमें गूगल पर रीडायरेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँगा तो देखिए गूगल खुल जाएगा। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने बटन टैग का। तो चलिए जान लेते हैं अपने नए एट्रीब्यूट के बारे में जो कि है टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट। तो उससे करते क्या है, उससे हम कोई भी बड़ी कमेंट या बड़ा टेक्स्ट या फिर कोई एड्रेस अगर हमें यूज़र से इनपुट कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। जैसे लिख कर देखते हैं उसके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पर ये कॉलम का मतलब होता है जितने हम कॉलम देना चाहते हैं, और रो का मतलब होता है जितनी हम रोज देना चाहते हैं। और इसके बीच में हम लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंटर योर एड्रेस, और अब मैं इसको ब्राउजर पर खोलता हूँ तो देखिए एंटर योर एड्रेस, और ये 30 रोज़ और 10 कॉलम जो लिए थे उसके हिसाब से एक बॉक्स बन के आ गया है, और हम यहाँ पर अपना कोई भी टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं। तो इससे एक और अगले एट्रीब्यूट के बारे में देख लेते हैं जो कि है हमारा सेलेक्ट एट्रीब्यूट। और सेलेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर एक सेलेक्ट एट्रीब्यूट क्या है पहले तो ये समझिए। सेलेक्ट एट्रीब्यूट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको दे देगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब जैसे हम कुछ कुछ उसमें से चुनना होगा एक ऑप्शन, तो जैसे और सेलेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं ऑप्शन नाम का एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर कुछ भी आए, और मैं एक और यहाँ पर ऑप्शन बना लेता हूँ और जिसकी मैं दे देता हूँ हेलो वैल्यू, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। और अगर मैं इसको ब्राउज़र पर खोलूँ, पहले आप ऑब्जर्व करिए उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है, और अगर हम इस लिस्ट पर अगर इस पर क्लिक करें तो जिस पर भी क्लिक करें वो चूज़ हो जा रहा है। तो यहाँ पर किया क्या है पहले ये देखिए, हमने एक सेलेक्ट नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया जिसके अंदर हमने दो ऑप्शंस बनाए। हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वही हमें वहाँ पर शो हो रहा होगा उस ऑप्शन पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।